You guys see my screen? Start the chat. Okay. All right. Again, good evening and thank you to all those who joined. Let's get started with our thought. Okay. The thought is that we rise by lifting others. है ना, हम लोगों की प्रगति होती है जब हम लोग दूसरों को मदद करते हैं थोड़ा सा, टू राइज अबाउ, है ना. सो वेर एवर पॉसिबल ट्राई टू डू द, जिसको भी मदद कर सकते हो, है ना, थोड़ा मदद कर देना चाहिए. नॉट नेसेसरीली बाय मनी, पैसे से ही सबकी मदद नहीं होती है. बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं जिससे दूसरों की मदद हो सकती है. किसी भाई को सिखा दिया, बहन को सिखा दिया, कुछ कर दिया, किसी की मदद कर दी, राइट. सो वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स. रॉबर्ट इंगर्सरोल का थॉट है ये, एंड ही वाज अमेरिकन लॉयर एज वेल एज ओरेटर. सो देखिए कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट सम रियली रियली इंटरेस्टिंग वर्ड्स. हम लोगों को जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था उसी का कंटिन्यूएशन है, एंड देन विल बी लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स आल्सो, है ना. सो सेशन 27 एज वेल एज 28 हम लोग दो सेशन आज कवर करेंगे, राइट. तो वेंट्रिलोक्विस्ट हम लोगों ने सीखा था. वेंट्रिलोक्विस्ट इज पर्सन हु डजंट अपीयर टू बी स्पीकिंग, जो जिसके पास एक टॉय होता है, राइट, और वो उसमें हाथ डाल के ही स्पीक्स लाइक दिस, लाइक ही अपीयर्स, ही मेक इट अपीयर कि वो दैट टॉय इज टॉकिंग, है ना. ये काफी लोग, इट इज अ आर्ट फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड एज वेंट्रिलोक्विस्ट. वेंट्रिलोक्विस्ट क्यों बोलते हैं? लोक वेंट्रिस इज बेली, या फिर हमारा पेट होता है, या फिर बेली पेट होता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिस, है ना. सो वेंट्रिलोक्विस्ट, लोक्विस्ट से हम लोगों ने देखा था कि टू स्पीक, है ना. सो वेंट्रिलोक्विस्ट इज समबडी हु इज स्पीकिंग फ्रॉम द बेली, मतलब इट इज लिटरली नॉट फ्रॉम बेली बट इट अपीयर्स दैट वे. सो उसको इसीलिए बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट, है ना. सो वेंट्रस से और वर्ड्स आए हैं फिर, है ना. वेंट्रस से वर्ड आए हैं वेंट्रल. वेंट्रल ये दिस इज अ मेडिकल टर्म और बायोलॉजिकल टर्म, क्या बोलते हैं उसको, और ऑफ ऑन और रिलेटिंग टू अंडर साइड ऑफ द एनिमल्स. जिस साइड में एनिमल का या आदमी का पेट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, है ना. बिकॉज वेंट्रिस इज अ बेली, तो जिस साइड पे बेली होगी उसको बोलेंगे वेंट्रल साइड. ओके, एंटेरियर भी बोलते हैं, फ्रंट भी बोलते हैं, है ना. So this is a ventral side, okay. So again based on the ventris, the root ventris. Ventricle, this is another word. As ventricle, ये भी ventris से आया है, है ना. A hollow part or cavity in an organ. किसी भी organ में अगर कोई empty part रहा, और मतलब क्या बोलते हैं hollow को, जिसमें ओपन स्पेस, हॉलो, है ना, जो जिसमें कुछ भरा हुआ नहीं है. सो अ हॉलो पार्ट और कैविटी इन एन ऑर्गन, जैसे ये हार्ट है, है ना, इसमें राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. सो दीज आर, और किसी कई ऑर्गन्स में भी हो सकता है, बट इन हार्ट इट इज लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, द एडजेक्टिव of ventricle is ventricular. Okay. Then जैसे front side होता है, ventral side होता है, वैसे उसका opposite side भी रहेगा फिर, है ना. So it is called as dorsal. और dorsal किससे आता है? Latin dorsum से, for back. मतलब so देखिए कैसे हम लोग याद रखते हैं. पहले तो हम लोग देखेंगे ventriloquist, है ना, जो अगर हम लोगों ने एक इमेज कर ली दिमाग में that somebody is performing act, जिसमें he is using ventriloquism. So ठीक है, ventris से क्या आया फिर? Ventral. Ventral is the
फ्रंट साइड है ना, देन और कौन सा आया, वेंट्रिकल, ओके, वेंट्रिकल इज द होलो स्पेस इन द ऑर्गन, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल इन द हार्ट. नाउ अगर वेंट्रल साइड है तो उसका अपोजिट भी होगा फिर कुछ ना कुछ, तो क्या है, डॉर्सल, डॉर्सल पोस्टीरियर, सो एंटीरियर वेंट्रल एंड फ्रंट, तो उसी का बैक क्या रहता है, बैक रहता है पोस्टीरियर डॉर्सल और बैक, सो वेंट्रल एंड डॉर्सल, ओके, सो डॉर्सल इज बैक ऑफ द एनिमल प्लांट और ऑर्गन, अ डॉर्सल व्यू ऑफ द बॉडी, है ना, पीछे से अगर कोई फोटो लेता है तो इट इज अ डॉर्सल व्यू ऑफ द बॉडी, है ना, लैटिन डॉर्सम से आया है फॉर बैक, ओके. अभी देखिए पीछे, किसी के पीछे अगर आप खड़े रह रहे हैं तो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो एंडोर्स, है ना, यू आर एंडोर्सिंग देम, समर्थन करना, अनुमोदन करना, है ना, इफ यू एंडोर्स अ चेक यू साइन साइन इट ऑन द बैक साइड, है ना, यहाँ पर यूएस में दे साइन ऑन द बैक. ऑल्सो फ्रंट में तो करते ही है, बैक में भी करते हैं, दे एंडोर्स, अनुमोदन करना. सो एंडोर्स कैसे है, इन एक प्रीफिक्स लगा दिया डॉर्स, डॉर्स को, है ना, डॉर्सो को, दैट मींस यू आर बैकिंग समथिंग, है ना, ही अर्न्स मोर मनी एंडोर्सिंग स्पोर्ट क्लोथ्स देन प्लेइंग फुटबॉल. तो कोई फुटबॉल प्लेयर है, वो एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइज करना मतलब किसी चीज को एंडोर्स करना, है ना, आप किसी चीज को अच्छा बोलेंगे जब आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छी चीज है ना, उसी को बोलेंगे एंडोर्स करना, है ना, द रिपोर्ट वॉज एंडोर्स्ड बाय कॉलेज. एंडोर्स करना मतलब समर्थन करना, है ना, डॉर्सम मतलब बैक साइड, तो किसी के पीछे खड़े रहना, किसी को साथ देना, है ना, इट इज एंडोर्स. वोसिफेरस हम लोगों ने वर्ड देखा था, है ना, वोसिफेरस, वोस वोक्स इज वॉइस, है ना, जो आवाज आ रहा है, एंड फेरोस इज टू कैरी, वोसिफेरस इज मींस टू कैरी अ लाउड लाउड वॉइस, है ना, तो लाउड वॉइस, जब भी आदमी चिल्ला चिल्ला के बात करता है तब वो किसी कमी को छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, उसके पास कंटेंट नहीं है बात करने के लिए तो वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज वोसिफेरस, टॉक वेरी लाउड, नॉइसी, क्लैमरस, वेहेमेंट, है ना, ये देखिए आप, हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स आप लोग थोड़ा जोर से पढ़िए, क्लैमरस, वेहेमेंट, व्हाट मे बी लैकिंग इन द कंटेंट इज कॉम्पनसेटेड इन फोर्स एंड लाउडनेस, तो जब किसी के पास पॉइंट नहीं रहता है तो वो चिल्ला चिल्ला के बात करना चालू करता है ना, सो जोर की आवाज का, द लाउड, द नाउन इज वोसिफेरसनेस एंड द वर्ब इज वोसिफेरेट, ओके. ये कैसे आया है, जैसे अभी मैंने बताया, वोसिफेरस ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वॉक्स और वॉसिस, ओके, वॉइस प्लस फेरो मींस टू बियर और कैरी, वोसिफेरस रिजॉइंड कैरियर, a lot of voice, okay, vehement, loud, noisy, clamorous, shouting, okay, ये उसके synonyms हैं, okay, somni हम लोगों ने सीखा था, पता नहीं, somni is sleep, मतलब नींद आना, somni is सोना, okay, somniferous, somni is सोना, and ferous is to carry, तो ऐसी कोई चीज जो आपको नींद लाती हो, है ना, निद्राकर, सोमनीफेरस लेक्चर, जो अगर आप किसी लेक्चर में बैठे हैं एंड आपको नींद आ रही है, इट इज सोमनीफेरस लेक्चर, ओके, सोमनी मतलब नींद आना और सोना, एंड फेरोस इज टू कैरी, तो कोई चीज आपको अगर नींद ला रही है, दैट इज अ सोमनीफेरस, सोमनीफेरस, ओके, सोमनीफेरस लेक्चर इज डल एंड बोरिंग, अगर कोई चीज डल एंड बोरिंग है, इट इज called as somniferous, okay, somnis plus feros, okay, fero is combined with somnus, matlab sleep, yahan par aapko mil jayega ye, hai na, reference, agar somnus matlab sleep, hai na, agar hum iske upar, iske pehle agar ek negative prefix laga de, in, hai na, in matlab negative prefix, kisi cheez ka na hona,
सो इनसोम्निया, इनसोम्निया मतलब दिस इज अ मेडिकल कंडीशन, ये एक रोग होता है जिसमें मरीज को नींद नहीं आती है ना। इट इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। जब नींद नहीं होती है तो आपका ब्रेन रेस्ट नहीं कर पाता है और उसको काफी हेलुसिनेशन हो जाता है, काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब इंसोम्निया हो जाता है आदमी को, है ना। सो अनिद्रा रोग बोलते हैं उसको, इनसोम्निया। इन इज नेगेटिव प्रोफिक्स। सो देखिए, सोमनस आपको याद रखना है, दैट मीन्स स्लीप। सो इनसोम्निया मतलब अनिद्रा, नींद ना आना, ओके, दैट इज इनसोम्निया। सोमनोलेंट, ओके, सोमनोलेंट इज स्लीपी, ड्राउजी, निद्राजनक, ओके। सो ये भी वेरी सिमिलर टू सोमनीफेरस, ओके, सोमनोलेंट समर डे। इसमें आपको नींद टाइप आ रही है, आप या ड्राउजी है, आप एक्टिव एक्टिव नहीं है, है ना। समर समर डे, अगर यूजुअली समर में क्या होता है, बहुत धूप है बाहर एंड आपको कहीं बाहर जाने का इच्छा नहीं है, आपको कूलर में बैठ के या एसी में बैठ के आराम करने का मन है, इट इज अ सोमनोलेंट कंडीशन, है ना, सोमनोलेंट समर डे, ओके, स्लीपी, ड्राउजी, निद्राजनक, ओके। सोमनेम्बुलिज्म, ओके, ये भी काफी अच्छा वर्ड है, आपको मिल सकता है कहीं अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर दिए हैं आपने तो, ना। सोमनेम्बुलिज्म, सोमनास मतलब नींद, एम्बुलेंस टू एम्बल, टू एम्बल मतलब टू वॉक, चलना, है ना, टू एम्बल मतलब टू वॉक, तो नींद में चलना। काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है ये कि नींद में चलने का, है ना, आप एक जगह सोते हैं और उठते भलते ही जगह दूसरी जगह उठते हैं, है ना, तो इट इज सोमनेम्बुलिज्म, ओके। अगेन आपको एम्बुलेंस आपने सुना होगा वर्ड, है ना, एम्बुलेंस इज टू, इट कैरीज, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। सो सोमनेम्बुलिज्म, आप एम्बुलेंस से भी याद रखते हैं कि अच्छा, व्हेन व्हेन यू आर वॉकिंग इन स्लीप। तो मैं इसका भी हिस्ट्री बताऊंगा आपको थोड़ा सा कि एम्बुलेंस को एम्बुलेंस क्यों बोलते हैं, है ना। तो एटलीस्ट लेट्स कंक्लूड दिस वर्ड, सोमनेम्बुलिज्म मतलब कंबाइंस सोमनस विथ एम्ब्यूलो, एम्ब्यूलो मतलब वॉक, यू हैव सोमनेम्बुलिज्म मतलब वॉकिंग इन वन स्लीप, ओके। जैसे लोग नींद में बात भी करते हैं ना, वैसे नींद में लोग चलते भी हैं, नींद में चलना सोमनेम्बुलिज्म, ओके। आपको याद है एक नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्न मतलब नॉक्स और नॉक्टिस मतलब नाइट होता है ना, रात को बोलते हैं। इक्विनॉक्स वर्ड आया है, इक्विनॉक्स मतलब जिस दिन को दिन और रात सेम सेम टाइम का रहता है ना, या फिर इक्विनॉक्स, ओके, या फिर नॉक्टर्न। नॉक्टर्न मतलब क्या होता है, नॉक्टर्न होता है म्यूजिक और पेंटिंग रिलेटेड टू नाइट, है ना। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में एक्टिव होते हैं एनिमल्स, ओके। सो नॉक्टैम्बुलिज्म, नॉक्टैम्बुलिज्म मतलब रात में चलना, नींद में चलना, रात में तो जनरली सोते हैं ना। सो सोमनैम्बुलिज्म हैज अनदर वर्ड, नॉक्टैम्बुलिज्म, ओके। नॉक्ट मतलब नॉक्ट इज नॉक, सो इट इज वेरी सिनोनिमस टू सोमनेम्बुलिज्म, है ना। नॉक नॉक से और कौन कौन से वर्ड आया है, नॉक्टर्नल आया है, नॉक्टर्न आया है, इक्विनॉक्स। सो जब भी आपको कोई रूट मिलता है आप उसके रिलेटेड वर्ड जरूर याद रखिए, है ना, दैट्स हाउ यू बिल्ड गुड वोकैबुलरी। एम्बुलेटरी पेशेंट, है ना, कभी कभी कोई पेशेंट होते हैं जो अपने बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, है ना, मतलब कुछ हो गया, पीठ में हो गया, कुछ भी कंडीशन हो सकती है जिसमें बेड रिडन हो जाता है, बिस्तर में ही रहता है आदमी, एंड कुछ इम्प्रूव होता है, कभी कभी तबीयत ठीक हो जाती है फिर, है ना, और वो चलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं, उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट, मतलब वो जो खुद से चल पाता है ना, उसमें क्षमता हो जाती है कि अभी वो थोड़ा चल पा रहा है, उसको बोलते हैं
एम्बुलेटरी पेशेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एम्बल इज टू वॉक, एम्बुलो इज टू वॉक, एम्बुलेटरी मतलब चल पाना, है ना। पेशेंट तो आपको पता ही है, एम्बुलेटरी पेशेंट इज बेड रिडन पेशेंट दैट इज फाइनली वेल इनफ टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड वॉक अराउंड। ओके, परैम्बुलेटर, परैम्बुलेटर मतलब होता है ये इंग्लैंड में ज्यादा यूज होता है वर्ड, यहाँ यूएस में नहीं होता है, है ना। सो इट इज जो बेबी कैरेज होता है ना, जिसमें आप बच्चे को डालते हैं एंड मूव अराउंड, इट इज कॉल्ड एज परैम्बुलेटर। ओके, अ वर्ड यूज मोर इन इंग्लैंड देन यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफन शॉर्टन टू प्रैम, प्रैम बोलते हैं उसको, है ना। इज अ बेबी कैरेज, अ व्हीकल फॉर वॉकिंग एन इन्फेंट थ्रू द स्ट्रीट। पर मतलब, पर मतलब थ्रू, तो परैम्बुलेटर मतलब किसी चीज को थ्रू मूव करना, रास्ते पे मूव करना, है ना, टू वॉक थ्रू, हेंस स्ट्रोल अराउंड। ओके, परैम्बुलेटर। टू एम्बल, एम्बुलो मतलब वॉक, टू एम्बल मतलब वॉक एनलेसली, आपको किधर जाना नहीं है, आप ऐसे टहल रहे हैं, है ना, टहलना, एम्बल, सॉन्टर, टेक, टेक अ वॉक, स्ट्रोल, प्रोमोनेड, हैव अ वॉक, है ना, ये सारे उसके सिनोनिम्स है टू एम्बल। तो देखिए, एम्बल, एम्बल, परैम्बुलेटर, एम्बुलेटरी पेशेंट, सोमनेम्बुलिज्म, है ना, ये सारे एम्बुलो से वर्ड आए हैं, चलना। ओके, एम्बुलेंस, अभी एम्बुलेंस कैसे आया है वर्ड? एम्बुलेंस इज सो कॉल्ड बिकॉज ओरिजिनली इट वॉज कंपोज ऑफ टू स्ट्रेचर, स्ट्रेचर रहता है ना, जिसमें अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और चल नहीं पाते तो आपको स्ट्रेचर पे रखा जाता है, और पहले क्या होता था, दो लोग, दो आगे और दो पीछे आपको उठा के स्ट्रेचर पे लेके जाते थे, है ना। वैसे ही अगर किसी वॉर में या किसी युद्ध में किसी को गोली लग गई या कुछ, कोई घायल हो गया, तो उसको भी स्ट्रेचर पे ले लिया जाता था, तो उन उसको बोलते थे एम्बुलेंस, है ना, वो लेके जाते थे दो लोग। तो एम्बुलेंस, अगेन एम्बुलो से आया है वर्ड टू वॉक, तो लेके जाते थे लोग उठा के। सो एम्बुलेंस जब फिर उसकी कार बनी या फिर उसकी ऑटोमेटेड ऑटो ऑटोमोबाइल बनी, तो उसको एम्बुलेंस बोलने लगे लोग, है ना। तो दैट्स हाउ द एम्बुलेंस वर्ड केम। ओरिजिनली पहले लोग हाथ से लेके जाते थे। ओके, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब किसी के पहले पहले चलना, बिफोर। ओके, सो प्रस्तावना, है ना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, ये प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना देना, किसी के पहले कुछ बताना, बोलना, है ना। द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस इज अ फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वेयर प्रस्तावना, किसी भी चीज की प्रस्तावना देते हैं लोग, है ना, प्रीफेस, प्रील्यूड, प्रोलॉग, ओके, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, ये सारे उसके सिनोनिम्स है, है ना, प्रीएम्बल। ओके, बाय एटिमोलॉजी समथिंग दैट वॉक्स बिफोर, प्री मतलब बिफोर, है ना। अभी देखिए इसके वर्ड्स और सिनोनिम्स, प्रील्यूड मतलब प्री, लोगोस मतलब सेइंग, प्रील्यूड मतलब टू से समथिंग। ओके, प्रोलॉग, प्रो मतलब बिफोर, लॉग इज टू, लोगस इज टू से, मतलब से समथिंग बिफोर, प्रस्तावना देता है किसी, कोई लेक्चरर आता है तो उसको पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तावना देते हैं, है ना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फोरहेड आपको पता है, फोरहेड, है ना, फोर मतलब बिफोर, फोरहेड मतलब जो पहले आता है, फोरहेड, है ना, वैसे ही फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब कुछ पहले बोलना, किसी चीज के पहले। ओके, दैट इज प्रीएम्बल। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ और डिटेल्स दिए हैं। ओके, ऑलराइट, सोपोर, सोपोर मतलब अगेन सोपोर इज अनदर वर्ड फॉर सोमनी, सोमनस। ओके, लैटिन वर्ड फॉर स्लीप, सोपोर। ओके, तो इससे और कौन सा वर्ड आया है,
सोपोरिफिक, सोपोरिफिक मतलब जो नींद लाता है ना, लैटिन वर्ड फॉर स्लीप सोपोर, सोमनीफेशिएंट, सोमनीफेरस, सोपोरिफिक, स्लम्बरस, स्लम्बर पार्टी होता है, स्लम्बर पार्टी मतलब वेयर यू स्लीप विथ योर फ्रेंड्स टुगेदर, है ना, आप लोग एक किसी दोस्त के घर में मिलते हैं एंड देन यू हैव पार्टी और हैव फन, राइट, उसको बोलते हैं स्लम्बर पार्टी, है ना। सो स्लम्बर का मतलब भी सोना है, सोपोर का मतलब भी सोना है, एंड सोमनीफेरस तो आपको पता है जो नींद लाता है, है ना। सो इट इज सोमनस इज वन लैटिन वर्ड फॉर स्लीप, ओके, एंड सोपोर इज अनादर, सोपोरिफिक लेक्चर, सोपोरिफिक लेक्चर मतलब जो आपको उतना एक्साइटिंग नहीं है, है ना, स्पीकर, स्टाइल ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा, आपको सोपोरिफिक लग रहा है मतलब इट इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, आपको नींद आ रही है ऐसे लेक्चर से, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेशन 27, है ना। अभी हम लोग थोड़ा 28 कवर करते हैं, इसका आप एक्सरसाइज करिए बुक से, और जिसके पास भी बुक नहीं है ना, सो डेफिनेटली सेंड मी वन ईमेल ऑन दिस ask.vocab, अगर आप इस पे कुछ भी सवाल या कुछ भी पूछते हैं तो आई विल ट्राई टू आंसर, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू सेशन 28, थोड़ा ज्यादा कवर करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट, दिस इज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज। तो इसका काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है नॉर्मन लेविस ने कि देखिए इस वर्ड से क्या होता है कि आप किसी को अच्छा भी फील करा सकते हैं या बुरा भी फील करा सकते हैं, एंड देन समटाइम्स यू हैव टू यूज सम हार्श वर्ड्स, है ना, या फिर किसी चीज को एक वर्ड में अगर बताना है, लैकोनिक अगर आपको बनना है तो दीज आर द वर्ड्स विच आर मोर यूजफुल, दीज आर पर्सनैलिटीज ऑल्सो, ये है ना, ये जैसे हम लोगों ने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सीखा था या फिर टाइप ऑफ लायर सीखा था, है ना, एग्रेजियस लायर, है ना, ग्लिब लायर, तो वैसे ही ये भी पर्सनैलिटीज है ना। और जब कोई ट्रेड आपको किसी आदमी में मिलता है तो यू कैन यूज दिस वर्ड्स। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है मार्टिनेट, अभी मार्टिनेट क्या होता है कि आपको स्कूल में कोई टीचर रहा होगा कि एक आध टीचर रहा होगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब टीचर ने कुछ बोल दिया तो वैसे ही करना है, एक इधर नहीं एक उधर नहीं, है ना, जैसे के वैसे। सो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन स्पेशली इन द आर्म फोर्सेस, ये कहाँ लोग पाए जाते हैं, स्पेशली आर्म फोर्सेस में, जैसे मिलिट्री में हो गया, है ना, तो वो काफी डिसिप्लिन रखते हैं, उनको हुकुम चलाना अच्छा लगता है, हुकुम चलाने से उनको लगता है कि अपना हुकुम जैसे के वैसे फॉलो हो, तो दे आर कॉल्ड एज मार्टिनेट, मार्टिनेट, ओके। द वुमन इन चार्ज वॉज मार्टिनेट हु ट्रीटेड ऑल दोस बीनीथ हर लाइक चिल्ड्रन। तो जैसे ये एग्जाम्पल में है कि एक लेडी है या एक वुमन है हु वॉज मार्टिनेट, ओके, एंड उसने उसके नीचे जितने भी थे उनको बच्चों टाइप ट्रीट करती थी, यहां मत बैठो वहां नहीं करो, ये नहीं करो वो करो, है ना। सो हुकुम चलाने वाला और जिसको लगता है कि अपना हुकुम सबने मानना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मार्टिनेट। सिकोफंट, ओके, ये भी आप लोगों ने काफी देखे होंगे ऐसे लोग, ये वो लोग होते हैं जो खूब चापलूसी करते हैं अपना काम निकालने के लिए, अ पर्सन हु इज हु एक्ट्स ऑब्सेक्वियसली, है ना, चाटुकारिता पूर्ण टुवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज। तो कोई पावरफुल आदमी है तो उसके आजू बाजू जो लोग घूमते हैं, हाँ हाँ सर कैसे हैं सर मैं अच्छा हूं, है ना, सो दीज आर कॉल्ड एज बूटलिकर्स, बूटलिकर्स, फ्लैटरर्स, सिकोफंट, टोडी, स्पैनियर, चापलूस लोग, सिकोफंट, ओके। पहला वर्ड क्या था, मार्टिनेट, सेकंड वर्ड इज सिकोफंट, ओके, डिलेटेंट, थर्ड वर्ड इज डिलेटेंट। सो ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जो किसी चीज को
अच्छा से कर सकते हैं, जैसे आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, मूर्ति बनाना, कंपोजिंग है ना, म्यूजिक बनाना, बट वो ऐसे एज अ काम नहीं कर रहे हैं। ये काम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको अच्छा लगता है ये करना, ये उससे पैसा कमाना नहीं चाह रहे हैं, ये इनको उनको कोई मतलब नहीं कि किसी को पसंद है नहीं है, है ना। इनका काम ये है कि इनको ये चीज करना है बिकॉज उनको अच्छा लगता है ना। डिलेटेंट, यू एंगेज इन एंगेज सुपरफिशियली इन द परस्यूट ऑफ वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, शौक शौक रहता है उनको, शौकीन बोल सकते हैं उनको, है ना। स्कल्पिंग, किसी मूर्ति बना रहे हैं या फिर, बट इनको कोई मतलब नहीं है कि आपको पसंद है या नहीं है, किसी और को पसंद है। योर आर्टिस्टिक एफर्ट आर सिंपली मीन्स ऑफ पैसिंग टाइम प्लेजेंटली, आप सिर्फ आपका टाइम अच्छा बिताना चाह रहे हैं इसलिए आप ये चीज करते हैं, शौकीन, है ना। डिलेटेंट, मार्टिनेट, सिकोफंट एंड डिलेटेंट। ओके, अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, पता नहीं आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, बहुत रेयरली मिलता है ये कैरेक्टर। सो दिस इज फॉर वुमेन मोस्टली, नहीं नॉट मोस्टली, ऑलवेज। विरागो, विरागो इज अ वर्ड फॉर वुमेन हु इज नॉट जेंटल। काफी काफी लाउड होते हैं, यू आर लाउड माउथ, आपको कभी भी गुस्सा आ सकता है ना। श्रविश, टर्बुलेंट वुमन, यू आर क्वारलसम, आप झगड़ा करने के लिए तैयार है एकदम, आपको बस किसी ने कुछ बोलने की देरी है आप शुरू हो जाएंगे, अग्रेसिव, वेरी अग्रेसिव ना, कर्कशा नारी, विरागो। सो देखिए, अगर आपको कोई याद है कैरेक्टर ऐसा, सो दे आर कॉल्ड एस विरागो। अगेन रिविजन, मार्टिनेट मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, सिकोफंट इज अ बूटलिकर मतलब जो तलवे चाटता है ना, शौकीन, डिलेटेंट एंड विरागो। ओके, शोविनिस्ट, शोविनिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। ओके, शोविनिस्ट, शोविनिस्ट इज कौम परस्त, नेशनलिस्ट, शोविनिस्ट मतलब, देखिए, लेट मी रीड दिस पैसेज, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज। एनीथिंग यू ओन और बिलोंग टू इज बेटर सिंपली बिकॉज यू ओन इट और बिलोंग टू इट। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको, जिनके पास अगर आपके पास कुछ है तो वो अच्छा है, और आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो वो अच्छा है, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, है ना। बाकी सब उसके लिए आपके पास काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं, ये अच्छा क्यों है, मैं अच्छा क्यों हूं, या मेरे पास एक कार है तो वो अच्छी क्यों है ना, या फिर मैं अगर मैन हूं तो मैन होना क्यों अच्छा है, वुमन होना क्यों बुरा है। ओके, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अटैच करता हूं तो वो पार्टी अच्छी क्यों है ना, बाकी सब बुरे क्यों। तो इनको जो भी चीज इनके पास है या ये बिलोंग करते हैं वही अच्छा लगता है, नेशनलिस्ट है ये, है ना। योर कार इज फास्टर, आपकी कार सबसे अच्छी है, अच्छा माइलेज देती है, नो मैटर व्हाट द प्राइस रेंज, मतलब आप ऑब्सेस्ड है, आपकी चीज, आपके पास जो चीजें है ना वो आपको अच्छी ही लगती है और आपको सबको मनाने में तैयार बैठे हुए हैं, है ना, शोविनिस्ट। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। देखिए, आपको अगर कुछ याद आता है कोई ऐसा बंदा, है ना, देन मोनोमैनिया, मोनोमैनिया ये वर्ड हम लोगों ने शायद पहले कुछ इनिशियल इसमें देखा था, मोनो इज वन, है ना, मैनिया इज पागलपन। तो किसी एक चीज के बारे में एकोन्माद, किसी एक चीज के बारे में ऑब्सेस हो जाना, है ना। कोई एक हॉबी कर ली, सपोज आपने कोई पेंटिंग करना सीखा है तो अभी आप पेंटिंग ही कर रहे हैं, दिन रात पेंटिंग ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई ये सब छोड़ दिए, आपने अभी पेंटिंग ही ले ली है। सो दैट इज कॉल्ड एस मोनोमैनिया। ओके, यू हैव वन ट्रैक माइंड, आप एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, है ना। व्हेन यू आर राइडिंग अ पर्टिकुलर हॉबी, यू आर राइट
राइट इट हार्ड, यू राइड इट हार्ड, है ना, यू हैव सच एन एक्सेसिव ऑल इंक्लूसिव जील फॉर वन थिंग. आपको एक चीज का ऑब्सेशन है, एक ही चीज. मोनो मतलब एक, मैनिया मतलब पागलपन. कई टाइप के पागलपन होते हैं, हम लोग सीखेंगे उसको भी. सो बट इट इज मोनोमैनिया, मतलब एक चीज के प्रति पागल होना. ओके, सो चलिए लेट्स रिवाइज. मार्टिनेट, सिकोफंट, डिलेटेंट, ओके, विरागो, शोविनिस्ट, ओके, एंड देन मोनोमैनियक. आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है, आइकॉन मतलब होते हैं मूर्ति, और क्लास्ट मतलब प्रतिमा भंजक. ओके, जो चीजों को नहीं मानता. यू आर वायलेंटली अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ. अगर आपको बोल दिया गया है कि हाँ आपको सुबह 6 बजे स्कूल जाना है एंड आपको नेशनल एंथम बोलना है, तो आप यू विल क्वेश्चन दोज बिलीफ. क्यों करना है ऐसा, ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे ये करना है, है ना. यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द रूटीन, है ना. आप एस्टेब्लिश जो बिलीव्स है, क्यों मुझे मंदिर जाना है, मुझे नहीं जाना है, है ना, या फिर जो भी ऐसे टाइप के बिलीव्स है, आइकोनोक्लास्ट, तो उसको मैवरिक भी बोलते हैं. मैवरिक इज महावीर से आया है वर्ड, महावीर से, है ना. उन्होंने भी ये सब जो रूढ़िवादी जो जीवन था उसको तोड़ा उन्होंने, है ना. सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं. उन्होंने भी सब छोड़ दिया था, तोड़ दिया था, ये जो रूड जो कस्टम्स थे उनको तोड़ दिया था, आइकोनोक्लास्ट, है ना. सो मैवरिक, मैवरिक भी एक अनादर वर्ड है महावीर से. देखिए मैवरिक, है ना, जिन्होंने कुछ फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना ही रास्ता एक ढूंढा. सो यू से दैट स्टैंड इन द वे ऑफ just a minute, है ना, cherish custom such as you say stand in the way of reform and progress are always based on superstition and irrationality, है ना. superstition and irrationality के against आपको तोड़ना चाहते हैं आप customs को, है ना. so it is iconoclast, okay. then similar word atheist, atheist theos मतलब god होता है, है ना. एथिस्ट मतलब जो बोलता है कि नहीं मानता मैं भगवान में, नहीं मानता, है ना, उसको बोलते हैं एथिस्ट. इससे रिलेटेड ही वर्ड है एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, जो बोलता है मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, है ना. एथिस्ट मतलब वो पता है कि, वो बोलता है कि नहीं मुझे पता है, गॉड है ही नहीं, है ना. सो नास्तिक, आस्तिक के अपोजिट. So there is no God, that's your position. Aapki ye position hai ki there is no God and you are not going to budge from it. Aur aap kisi bhi halat mein maangne ke liye tayyar nahi hai, hai na? So atheist, iconoclast, monomaniac, chauvinist, virago, dilettante, sycophant, martinet. Okay? Leecher. लीचर मतलब होता है अय्याश. जो अय्याश तो आपको वर्ड पता ही है, आई डोंट नो हाउ मच एक्सप्लेनेशन आई शुड गिव. ये मोरली ऑब्लिगेटेड नहीं होते हैं, इनको दे आर अय्याश. आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड फॉर दिस. लीचर इज अ अय्याश लोग जो काफी इमोरल चीजों में करते हैं, मतलब काम करते हैं. ओके, देन ये एक लास्ट जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है, हाइपोकॉन्ड्रियक. हाइपोकॉन्ड्रियक ये अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्शियस अबाउट देयर हेल्थ, जो अपनी तबीयत के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हैं. इनको हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी होती रही, ऑलवेज सिक. दो नो डॉक्टर कैन फाइंड अ ऑर्गेनिक कॉज फॉर योर एलमेंट. कोई डॉक्टर ढूंढ नहीं पा रहा है आपकी क्या बीमारी है, क्योंकि आपने दिमाग में ही आपको भर के रखा है ना.
there is no doctor dhoond hi nahi pa raha hai. You know you have ulcers, though medical test shows no stomach, healthy stomach. मतलब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे है ना अल्सर हो सकता है, क्योंकि आप दिमाग में ही सोच रहे हैं कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आप बोलते हैं डॉक्टर को यार मेरे को तो हो सकता है अल्सर हो, है ना. डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट कराता है, डॉक्टर तो बोलता है यार नहीं ठीक ठीक तो लग रहा है स्टमक, आपके पेट में तो कुछ नहीं है. क्योंकि ये सारे आपके दिमाग की उपज है ना, क्योंकि आप अपने हेल्थ के बारे में हमेशा सोच रहे हैं. यू हैव अ हार्ट पल्पिटेशन बट कार्डियोग्राम फेल्स टू शो एनी एबनॉर्मलिटी, है ना. आपको लगता है कि आपका दिल जोर से धड़क रहा है बट कार्डियोग्राम भी वर्ड सुना था हम लोगों ने. कार्डियक मसल्स होते हैं जो हार्ट को बनाते हैं, हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते हैं. ग्राम इज टू लिखना, है ना. जब आप कार्डियोग्राम लेते हैं जो हार्ट को दिखाता है आपको, वो ठीक दिखा रहा है बट आपको लग रहा है कि आपका दिल जोर से धड़क रहा है ना. सो ये आपके काफी ऐसे लोग होते हैं जो काफी दिमाग में बिठा लेते हैं कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, शायद मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है ना. सो दे आर कॉल्ड एज हाइपोकॉन्ड्रिया. सो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हाइपोकॉन्ड्रिया obsessively anxious, abnormally anxious about their health, जो अपने तबियत के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, है ना. लीचर इज अय्याश लोग, okay? In more sexual ways, okay? Atheist मतलब नास्तिक, okay? Iconoclast मतलब प्रतिमा भंजक, जो किसी जो मूर्तियों को तोड़ता है, जो मूर्तियों को लोग पूछते हैं यूजुअली, है ना. और ये मूर्तियों को तोड़ता है, मतलब ये कस्टम्स को तोड़ता है, मूर्तियों को लिटरली नहीं तोड़ता है, उसको कस्टम्स को तोड़ता है, ओके. सो आइकोनोक्लास्ट आर यूजुअली अथिस्ट मोस्ट फॉर मोस्ट पार्ट, है ना. मोनोमैनिया मतलब एकोन्माद, एक ही चीज का ऑब्सेशन, एक चीज के लिए पागलपन. शोविनिस्ट हु थिंक्स दैट ओनली थिंग्स दैट ही इज डूइंग आर द बेस्ट, ओके. शोविनिस्ट, कॉमपरस्त, नेशनलिस्ट, ओके. विरागो मतलब कर्कशा नारी, ओके. डिलेटेंट, डिलेटेंट इज शौकीन, ओके. सिकोफंट इज चापलूस, बूटलीकर, टोरी, स्पैनियल, फ्लैट, किसी का फ्लैटरी करना मतलब किसी की तारीफ करना, झूठी तारीफ करना, ओके. एंड देन मार्टिनेट मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ओके. चलिए तो मुझे लगा नहीं था कि हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम होगा, तो मैंने कुछ रिवीजन के लिए डाला नहीं आज, है ना. सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू रिवाइज दिस थिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बुक्स में करने हैं, डेफिनेटली डू इट. सो अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछिए. वी कैन टेक सम क्वेश्चंस नाउ. इफ नॉट अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आप आज का जो थॉट है उसको जरूर सोचिए, राइट, कि हम लोग कैसे दूसरे की मदद, दूसरे की जब हम लोग मदद करेंगे तभी हमको भी मदद मिलेगी. वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स. जो भी